गाइस वेलकम टू द पबजी मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। आज हमने कहा आदाब और नमस्ते। भाई वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चार बातें बता दे। पहले तो एक भैया पूछे कि भैया आप जब ऐसे पबजी बोलते हो तो आपको तो जो है पाद निकल जाती होगी। तो हमने कहा भाई इसीलिए मैंने दो चार अंडर कवर खरीद लिए है ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब एक भाई साहब बोले कि भाई आप जो है घुलुलुप घुलुलुप बोलते हो, उसकी जगह जो है चैंग तिलिलिप तिलिलिप बोलो। हमने कहा अबे जिसको हिंदी आती है वो लोग देख रहे हैं, चाइनीज की जनता थोड़ी ना बोल रही है जो उनकी भाषा में हम बोलेंगे चाउमाउ। और भाई जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि दो दिन से इसी बारिश खतरनाक हो रही है कि यार इंटरनेट की तो हालत खराब है, इतना धीरे चल रहा है भाई साहब क्या बताएं। हम गोली चलाते हैं अमेरिका में और गोली चलती इंग्लैंड में, बंदे हमको कुचल के चले जाते हैं, कोनो थप्पड़ गया के चला जाता है, कोनो जो है हमारी अंडरवियर उतार देते हैं। तो भाई सामने गिरा रहता है ड्रॉप और एक हमारे भैया हैं उनको बहुत खुजली मची रहती है कि भैया आप ड्रॉप काहे नहीं लूटते। तो हमने कहा लो भैया इनकी खुजली दूर कर दी जाए। हम तुरंत गाड़ी उठा के जैसे ही आते हैं तो भाई साहब गोली उली पहले ही चलने लगती है। हमने कहा अभी तो पहुंचे नहीं है, लोग पहले ही गोली चल रही होती है। और एक आदमी सोचते कि चाचा लॉलीपॉप लेके आए, हमने कहा लो बेटा अभी लॉलीपॉप देते पिच क्या। भाई आप देखना हमारी पिंक तो दिखा रहा है 80-90, लेकिन 80-90 है नहीं है क्योंकि हम गाड़ी इन दोनों के ऊपर चढ़ा देंगे, लेकिन ये लोग मरते ही नहीं है, बस इन लोगों को डैमेज पड़ता है लेकिन मरेंगे नहीं। अब भाई साहब हम गाड़ी घुमा के जा रहे होते हैं, हमने कहा यार मर जाएंगे साला, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी लो पहले से ही, क्या फायदा जो है मर जाए तो इन लोगों को देना पड़ जाए। अब देखो दोनों हमको ढूंढ रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था खुजली मची है। हमने कहा लो बेटा पीछ क्यों, अबे बच के से क्या, हमने कहा तुम लो बेटा, ये दोनों बच के। और भाई साहब हमारे ऊपर गोली चलने लगते हैं, हमारी बग्गी फोड़ देते हैं, हमारे टायर पंचर कर देते हैं। हमने कहा आप कहोगे अबे अब तो फंस गए, लो भैया अभी बताते हैं कहाँ हो, लो बेटा कंटाप। हम ये तो दो ही गोली में फंसर गए, लो बेटा कंटाप। भम भम क्या भम भम, पहले चलाना तो सीखो। भाई साहब बोलो वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी वरना इनका गुम्मा एक और पड़ गया रहता तो हम पहले ऊपर ही चले जाते। हम अपना गुम्मा पता नहीं क्या कर रहे थे, उसको सजाने के लिए रखे थे। अब भाई साहब हम ये फूटी बग्गी जो है हटा के और दूसरी बग्गी लेके आते हैं प्रोमोटरी में, यहाँ पे सोचते गाड़ी चेंज कर लेंगे। तब तक देखते तो भाई साहब देर आर टू लप्पू झप्पू वेटिंग फॉर मी। अब हम इन लोग को पीछे दे ही के रही होते तब तक सामने कोनो वैन खड़ा कर रहा था, लो बेटा भम अबे क्या कर रहा है मेरे भाई, सामने देख के गाड़ी चलाओ दुर्घटना हो जाएगी। तब तक लो भैया मिर्गी आ जाती है, हमने एम टाइम पे सब आ जाता है भाई साहब। भाई हम तीन तल्ला मकान में आके तीछी निगाह से देख रहे होते तो एक केडी बढ़ा देता चौराहे पे दौड़ लेते, ये इनको मारने लगते हैं, हम इनको ठेल देते तुरंत। हमने कहा हम तो मार नहीं रहे उनको यार, हम तो अपनी केडी बढ़वा नहीं रहे। हमने कहा लो भैया आप अपनी केडी बढ़वा ले, लो भैया बीच में सरिया घुसेड़ दिए। भाई हम इधर केडी बढ़ाने में बिजी थे तब तक हमारे ऊपर एक बम आके गिरता है। हमने कहा ई काबे लप्पू तो लगता है बहुत क्लेवर है, साला तुरंत हमारे ऊपर बम फेंक दी। हम अभी इधर हेल्थ किट लगाते हैं, तब तक देखते हैं सामने कोनो जो है गोईठा चला है। हमने कहा लगता है अंदर गुली गुली चल रहा है, अट कबड्डी 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 ई का हो रहा है बे। तो बेटा भम 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 कौन करे लॉबी इन द हाउस बेबी। अब भाई कल के वीडियो में आप लोगों ने तो इतने क्वेश्चन पूछे। एक तो कह रहे हैं कि भैया अगर आप लड़की होते तो हम आपसे शादी कर लेते। हमने कहा कौनो बात नहीं भैया, अगले जन्म मोहे बिटिया की जो। तब तक देखते भाई सब दो पपलू टपलू बग्गी में बैठ के कहीं जा रहे हैं। हमने कहा गाड़ी निकालो ड्राइवर, जल्दी करो जल्दी करो, पीछा करो इन लोगों का, कौनो जाने ना पाए। अब भाई सब जोन भी आ गया रहता है तो जरा हम गाड़ी में बैठ के और जा रहे होते हैं और जैसे ही जाते हैं तब तक सामने एक जो पत्थर देख रहे हो ना बड़ा वाला, उसके पीछे जो है दो लप्पू झप्पू जो है खड़े रहते हैं हमारा इंतजार कर रहे होते। हम जैसे ही गाड़ी कूदाते हैं भाई सब तुरंत हमारे ऊपर गोली की बरसात कर देते। हमने कहा बेटा पलटना नहीं वरना यही लंका लग जाएगी, तुरंत हम गाड़ी लेके भगा देते। अब भाई सब हम सोचे इनको मारे, तब तक उधर से भम भम आवाज आने लगती है। हम कहे किसको मारे समझ नहीं आता है, लेकिन हम सोचते लाओ पहले उन लोग मार दे, ये लोग बीच चौराहे पे खड़े होंगे। अब एक भाई साहब जो है अपने कान में भूसा डाल के एकदम मगन थे लूटने में। हमने कहा अभी बताते हैं, लो बेटा पेच क्या। भाई लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है और वीपीएन का कमाल इतना ज्यादा हो रहा है, जरूर इनका इंटरनेट हक दिया होगा इसीलिए यही खड़े थे। अब भाई साहब हम तुरंत गाड़ी लेके पहुंच जाते, काहे से जो है परंपरा प्रतिष्ठा का तो आपको जानती है ख्याल रहता है हमें। तो हम गाड़ी लेके जैसे आ रहे होते तो ये भाई साहब लोग दौड़ के और पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे होते। हम देख लेते कहां जा रहे हो, कुछ लो लो बेटा हम ये चलेगा, इनका नाम देख लो लेडी किलर, वाह।
उड़ी बाबा ये तो मोंडल दादा है, मोंडल दादा केम छो मौजा मौकी नहीं। अब भाई सामने वाले घर से एक आदमी मुंडी दिखा रहे होते, हम तुरंत इनको कंटाप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई साहब बच जाते हो और आगे गिरा रहता है ड्रॉप। हमने कहा लाओ भैया गाड़ी निकाल के पहले ड्रॉप के पास चल दे, पता चला ये लोग लूट लेंगे, आरपीजी उरपीजी उठा लिए तो हमारा ही जो है कल्याण कर देंगे। तो हम जैसे ही आते ड्रॉप के पास, तब तक देखो भाई साहब ये दीवार के पीछे पहले से आरपीजी लेके बैठे हुए। हमने कहा भागो जल्दी यहाँ से वरना देगा अभी कंटाप। हम तुरंत गाड़ी लेके भगा लेते हैं लो बेटा हम। हमने कहा ये भगवान ये तो आरपीजी चला रहे भाई, जल्दी से भाग यहाँ से। अब हम गाड़ी लेके तुरंत वही तीन तल्ला मकान के पास जैसे ही आते हैं तो भाई साहब देखना इनको एकेएम की इतनी गोली मारेंगे, लेकिन भाई साहब वही है ना पिंग अच्छी नहीं थी तो क्या करते वरना ये रास्ते में निकल चलते। अब इनको मारते ये कंगारू तरह उछल उछल के जो है चौराहा क्रॉस कर लेते। हमने कहा यार शिट अब क्या होगा। अब भाई साहब जैसे ही पास में आते हैं तो हम गुम्मा निकाल के इनको गुम्मा देते हैं, लेकिन इनका गुम्मा जो है हमारे गुम्मे से ज्यादा भारी था। लो बेटा भाम। अब भाई साहब इस मैच में देखना है, इस मैच में तो टॉप लेवल की मिर्गी आई रहती है। अब हम जैसे ही उतरते हैं तब तक हमारे पीछे एक और बंदा उतर गया रहता है। हमने कहा बेटा अभी बताते हैं, तुरंत शॉटगन से हम एक इनको देते हैं। लो बेटा भसम। तब तक भाई साहब इनको गोली पड़ती है। हमने कहा बाहर निकल के अभी बताते हैं हमला। अब भाई हमारे पास ना ही वेस्ट थी ना ही हेल्थ किट थी और हम ढूंढ रहे होते हैं तो भाई साहब ना हेल्थ किट कुछ मिल ही नहीं रहा होता, ना बैंडेज वैंडेज कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो हम तुरंत चौराहा क्रॉस करके इस साइड जैसे ही आते हैं तब तक किसी के पैरों की खटर पुटर आवाज रहती है और ये भाई साहब जो है बहुत बढ़िया कपड़ा सिलाए रहते टेलर से। अब जैसे ही सामने आते तो तुरंत लेट जा रहे होते, मतलब हम इनको जैसे ही गोली मारते हैं तुरंत लेट जाते हैं। हम कहीं यार इससे तो बच के खेलना पड़ेगा, कहीं से गोली चलाएंगे हम इसके ऊपर और ये लेट जाएगा, किसी और को लग गई तब। भाई ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दौड़ रहा था कि हमें डर लग रहा था। हम क्या इतनी मेहनत से दो तीन घर लूटे, लाओ भैया सारा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी जाए वरना इसको फ्री में देना पड़ जाएगा। हमने कहा अब तब तक पीछे वाले घर से लाओ कुछ ढूंढे, तब तक देखते केडी बढ़ा ले देवता, हम क्या यही मदद करेंगे। हमने कहा भैया तुम आगे जाओ और जाके उसको जो है थोड़ा बिजी करो, हमारे पीछे से डरो मत हम आ रहे। हम तुरंत जाते हैं इनके पास तो ये भाई साहब उन्हीं के ऊपर बम फेंक रहे हैं, गोईठा जला रहे हैं, कंडा चला रहे हैं। हम कहीं कर का रहा है भैया, किसके ऊपर बम फेंक रहा है, बॉट को बम से मार रहे का। लो भैया फिर लेट गए। हमने कहा हे भगवान ये लेटने उठने का ये इतना यार कहां से भैया शौक हो गया। ऐसा तुरंत इनके बटुआ जो है हम चेक करते हैं तो M4 बाइजन पीपी सब मिल जाता है। तुरंत देखते हैं तो केडी बड़ा देवता टहल लेते हैं। हमने कहा भैया प्रणाम आशीर्वाद दीजिए, एक और मिल जाता है। हमने कहा भैया प्रणाम आशीर्वाद दीजिए, तुरंत दो दो जो है आशीर्वाद लेके और प्लस टू करवा के हम कहते हैं गाड़ी निकालो ड्राइवर जल्दी करो जल्दी करो। अब पीछे गिरा रहता है ड्रॉप तो भाई साहब हमारी पिंग सही नहीं थी तो हमने कहा यार इस बार क्लोज फाइट नहीं लेंगे, साला मर जाएंगे दिक्कत हो रही है, लो इस बार दूर से देखिए माजरा क्या है। तो हम सिचुएशन को जो है समझ रहे थे। हमने कहा दया सब ठीक तो है। अब भाई साहब देखो यहाँ पे जो है हम देखते तो लड़ाई चल रही होती है और हम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते, सोचते छक्का लग जाए। हमने कहा मम्मी ये तो सही में छक्का लग गया। अब भाई हम अपनी दूरबीन खोल के एकदम सीबीआई की तरह छानबीन कर रहे होते। हम कह लो भैया कोई ना और लौंडा मिल जाए तो उड़ा देंगे। उधर बॉट आपस में लड़ रहे होते। हमने कहा इन लोगों को कौन मारेगा, कहीं से गोली 150 ही रहती है। अब भाई साहब देखो ये दिख जाते। हमने कहा बेटा इनको अभी बताते, इनको तो गुम्मा से बजाएंगे, लेकिन भाई साहब गोल चक्कर मार के फिर से सामने जाते। हमने कहा अभी बताते हैं, तुरंत इनको कंटाप देते वहीं टट्टी कर देते हैं। उधर भाई साहब बॉट पगला रहे थे भम भूम कर रहे होते। हमने कहा तुम लोग तो यार कपारी खा जाओगे जब तक नहीं मारेंगे, तो क्या कटर पुटर कर रहे हो भाई, चलो निकलो जल्दी से। भाई साहब इन लोग को मारते ही है तब तक हमको ग्रोजा की आवाज आती है। हमने कहा यार वो ग्रोजा वाला आदमी तो अभी छत के ऊपर ही है, उसको जो है ठेलना पड़ेगा वरना बाद में वो घातक हो सकता है। तुरंत हम गाड़ी लेके निकालते हैं। हमने कहा भाई साहब उधर लड़ाई चल रही है, लो भैया देखे माजरा का सिचुएशन का है, जरा देखे अंडर कंट्रोल करे। तुरंत गाड़ी जो है चौराहे पे खड़ी करके हम पैदल पैदल जाते हैं तो देखते हैं यहाँ भम भम बम चल रहे हैं, गोली बारूद चल रहे हैं। हमने कहा भाई साहब यहाँ तो बहुत खतरा ले लिया हम आके। अब भाई साहब देखो बगल से एक आदमी स्कर्ट पहन के हमारे घूम रहे होते। हमने कहा इनका रुको स्कर्ट का जो है अभी भूत उतारते हैं, कहाँ भाग रहे हो बे अभी, लो बेटा भम। तुरंत जो है देखते हैं हमारे हाथ में गुम्मा है, तुरंत भागने लगते हैं और गौसाला गुम्मा जो है पता नहीं कहाँ हो जाता है, काम ही नहीं कर रहा होता। हमने कहाँ भाग रहे हो, हट कबड्डी। तो कानून और कार्टून फ्रीक की नजरों से कोई नहीं बच सकता। चकलू बी नो लिमिट्स ओके, व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दैट। नानी ओमाए वा मो सिंदेइरू।
लो भैया, ये तो इंटरनेट का प्रॉब्लम सबके ही साथ हो रहा है। इनको खिड़की में फंसा के इंटरनेट चला गया। वाह, इतना मेहनत किए, पतंजलि का ड्रेस लूटे, ग्रोजा उठाया, और का हुआ तब तक एक अचानक से आवाज आती है लॉन्चर की, भम। हमने कहा ई का बे, ई हमको दूर से कौन नजर रख रहा है। इन भाई साहब के दिमाग में इतना ज्यादा गोबर भरा था कि ये जो है लॉन्चर चलाए पड़े थे, सोच रहे थे कि बिल्डिंग भर भरा के गिर जाएगी लॉन्चर मारेंगे। तो हमने कहा चलाओ भैया, हम तो यहीं छुपे रहेंगे। जितनी बार चलाते थे हम घर के अंदर घुस जाते थे। हमने कहा अभी फिर चलाओगे? हमने कहा लो बेटा फिर आते हैं, फिर इनको जो है मुंडी दिखा देते हैं, पता नहीं कहाँ चला रहा होता है। हम कहा लो फिर मुंडी दिखा दी, फिर अंदर भाग जाते हैं। हमने कहा अब तो वेस्ट हो गई लॉन्चर, अब क्या होगा बेटा, हो गई ना वेस्ट। हम तुरंत आते इनको देखने लगते, तब तक साला मुंडी पे दो चार गोली मारता। हमने कहा ई काबे, ये तो गोली भी अच्छी चला रहा है। तब तक हमारे ऊपर जो है एक आदमी रस कर देते हैं। हमने कहा इससे पहले ये हम पर रस करे, हम ही को इनके ऊपर रस कर देना होता। हमने कहा गुम्मा निकालो हाथ में, जल्दी करो जल्दी करो, क्या कर रहे हो, इतना टाइम थोड़ी ना लगाते। तुरंत उछल के देखते तो भाई साहब देखो कौन रस किया है, हे भगवान चल निकल। हमने कहा हार्ट अटैक है दे दोगे काबे, ऐसे सीरियस सिचुएशन में कहे होते हो। हम तुरंत बग्गी उठा लेते, कहे से यू गाइस ऑलरेडी नो व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिकन डिनर, और नीचे नीचे निकल लेते। तब तक देखते इनके दोस्त सामने बिस्तर उस्तर लगा के, आराम से खटिया उटिया लगा के घास में सो रहे थे। हमने कहा लो बेटा पिच किया। अब भाई साहब इनके दोस्त उधर आरपीजी लेके टहल लेते, वो भाई साहब जो है इनको भूल ही जाते हैं। हमने कहा बेटा इनकी पूरी चटनी बना दे ताकि गुली गुली ना कर पाए। हम तुरंत बग्गी लेके आगे पहुंच जाते, तब तक देखो सामने एक और ड्रॉप, और भैया फिर से लॉन्चर उठा लिया। हम तुरंत कोने में एक जगह जाके दुबक के बैठ जाते हैं, और जब जोन आता है ना आखिरी तब निकलते हैं। और अब देखना हमारी मिर्की स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बग्गी लेके आते हैं, इधर लॉन्चर उन्चर चल रहा होता है। हम कह लो भैया कंटेनर के अंदर छुप जाएंगे, लेकिन भाई साहब अब मिर्की क्या ही बोला जाए, मतलब पिंग 108 दिखा रहा है। लेकिन हम जा रहे थे जापान और पहुंच जा रहे थे अमेरिका। हमने जा रहे थे अमेरिका, पहुंच जा रहे थे इंग्लैंड, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतना टेलीपोर्ट, मतलब कहीं कंटेनर में घुस जा रहे कहीं और घुस जा रहे। और भाई साहब ये उधर जो है बम की पिन खींच के और निकल रहे होते, मेरे ऊपर बम फेंक रहे होते। हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम जा तो रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। अब इनको हम जो है दो तीन गोली मारते भी है। हमने कहा रिलोड हो, हाँ जल्दी से हो जाए। अबे रिलोड कर रहे हो, अबे क्या कर रहे हो, अबे ये क्या हो गया, अबे मर गए। Are you comedy me?